नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। जबलपुर में गोटेगांव निवासी गोविंद केटले द्वारा दिनांक 18 नवंबर 2014 को गोटेगांव विधायक जालम सिंह पटेल, उनके पुत्र मोनू उर्फ मणि नागेंद्र सिंह पटेल व विधायक जालम के गार्ड शरद वड़करे पर उनके साथ शासकीय अस्पताल गोटेगांव में लाठी डंडों से मारपीट करके उनकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर शासन द्वारा प्रकरण की जाँच के लिए विशेष SIT का गठन किया गया था। SIT द्वारा प्रकरण की जांच के पश्चात विधायक जालम सिंह पटेल, मोनू पटेल व शरद बरगढ़ी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम कर उनके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना प्रकरण सिद्ध करने के लगभग 30 गवाह प्रस्तुत किए गए तथा आरोपी गढ़ द्वारा अपने बचाव में न्यायालय के समक्ष 8 गवाह प्रस्तुत किए गए। प्रकरण विशेष न्यायाधीश, विधायकों तथा सांसदों के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा संपूर्ण प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों तथा बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की साक्ष्य की विवेचना करने के उपरांत दिनांक 29 अप्रैल 2022 को विशेष न्यायालय जबलपुर विवेक पटेल द्वारा प्रकरण के आरोपी गणों जालम सिंह पटेल, उनके पुत्र मोनू पटेल तथा शरद वरकरे को प्रकरण से दोषमुक्त कर दिया गया। प्रकरण में आरोपी गणों की तरफ से पंकज दुबे अधिवक्ता, राकेश शुक्ला एवं कुणाल दुबे द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोपी गणों का पक्ष रखा गया। पहुंचाते रहे खबरें हम आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।